बिहार दैनिक पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभी बेगूसराय जिला के श्री हरिगिरि धाम गढ़पुरा के प्रांगण में हूँ और आप यहाँ देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं जो कि राम लला के जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसी संदर्भ में श्री हरिगिरि धाम पहुँचे हैं श्री हरिगिरि देव जी को निमंत्रण देने के लिए। ये जो आपको दिख रहे हैं हमारे, ये आप किस पंचायत से? कुम्हारसो पंचायत के मुखिया हैं। कुम्हारसो पंचायत के मुखिया हैं और आप यहाँ किस संदर्भ में आए हैं? यह जो हमारे 22 तारीख को जो अयोध्या में हमारे रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके संदर्भ में हम सभी सनातनियों पूरे हिंदू जो घर घर जाके निमंत्रण देंगे। अयोध्या में जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, जो नहीं जा पाएंगे वो घर में ही अयोध्या बना के घर में ही राम भगवान का आरती का भजन करेंगे, इसके संदर्भ में हम लोग चल रहे हैं अभी। आप सिर्फ मंदिर में आके श्री हरिगिरि देव जी को निमंत्रण दे रहे हैं या फिर अपने पंचायत के सभी लोगों को आग्रह करेंगे? पूरा भगवान जी के साथ यहाँ पूरे पंचायत के आदमी को आग्रह करेंगे और पूरा विश्व में यह हमारे जो निमंत्रण का जो कार्यक्रम चल रहा है वह पूरे विश्व में चल रहा है अभी। ये आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ अभी लगभग 300-400 आदमी है, मोटरसाइकिल से है और बाकी बहुत आदमी चल रहा है। आपका जो यह कार्यक्रम है आपके पंचायत भर है कि आप आसपास के गांव में भी जाकर लोगों को? पूरा पंचायत है और अगल बगल जो है गांव उसमें भी जा रहे हैं हम लोग। उसमें भी जा रहे हैं। और आप भाई साहब कौन से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू सिंह है। शंभू सिंह जी, आप भी पंचायत में कुछ आपका भूमिका है क्या सरकार की तरफ से? भूमिका तो देख रहे हैं, भूमिका तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका निमंत्रण देना, हर हिंदू परिवार को निमंत्रण देना है कि उस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। 500 वर्षों के बाद भगवान का एक महल मिला है, मंदिर बना है, हम लोग की सपना साकार किया गया है। इसलिए आप लोग 22 तारीख को अयोध्या आइए। अयोध्या आने में असमर्थ हैं तो अपने अपने घर में एक खुशहाली दीपावली मनाइए, दीप जलाइए। हम लोग इसी के संदर्भ में घर घर प्रचार कर रहे हैं, अक्षत बांट रहे हैं। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं तो अपने घर निश्चित भगवान के नाम पर एक दीप जला रहे हैं। बिल्कुल। और आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे देशवासी को? मैं कुम्हारसो पंचायत के रहने वाला हूं और सनातनी के नाते आज 550 साल के बाद जो भगवान श्री राम आज अपने गृह प्रवेश करने जा रहे हैं 22 तारीख को, इस संदर्भ में तमाम देशवासी और अपने ग्रामवासी से भी आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो आप अपने घर में राम की मूर्ति की जो स्थापना दिवस है उस दिन अपने घर को दीपावली जैसा मनाएं और दीपावली हर एक मंदिर में कीर्तन भजन, अपने घरों में कीर्तन भजन का आयोजन करें। ऐसा लगे कि हम लोग आज 550 साल के बाद जो खुशी का अनुभव कर रहे हैं इससे बढ़ के और क्या है। बिल्कुल। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का मनोकामनाएँ। अच्छा, आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ। आपका इस पंचायत में क्या भूमिका है सबसे पहले ये बताएं। मैं इस पंचायत का एक नागरिक हूँ, कुम्हारसो पंचायत का, और भगवान श्री राम जो 550 वर्षों के वनवास के बाद 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने जा रही है, उस 550 वर्षों में बहुत सारे राक्षसों को मारते हुए रावण जैसे राक्षसों को भी धराशायी करके और वो पुनः अपनी अयोध्या में 22 जनवरी को जो स्थापित होने जा रहे हैं, उस संदर्भ में हम सभी हिंदू भाइयों को घर घर जाकर यह निमंत्रण देते हैं, यह अक्षत बांटते हैं कि आप 22 जनवरी के अवसर पर भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आवे और उनके प्राण प्रतिष्ठा का मनोरम दृश्य, मनोरम छवि। ये आपके अंदर जो प्रेरणा जगा है, ये स्वतः प्रेरणा जगा है या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उनके कहने पे आप लोग कर रहे हैं? लोगों के हृदय में तो कब से राम लला के अयोध्या वापसी की लालसा लिए हमारा नजर पलक बिछाए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ भाइयों से आप लोगों को मिलाता हूँ, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा में, आप बोलना चाहेंगे? जी, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। अजी अभी से हर एक घर घर जाकर ये निमंत्रण देना है कि 22 जनवरी को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा और अपने महल में विराजमान होंगे, यही पूरा गांव में संदेश देना है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। 22 जनवरी को हर एक घर दीपावली की तरह जगमग करता हुआ नजर आना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और आपका इस पंचायत में क्या भूमिका है? हम
राम भक्त के नाते बरसों की लड़ाई संघर्ष के बाद भगवान का पुनः अयोध्या वापसी है। इस मौके पर भगवान के दर्शन करने के लिए, गीत प्रवेश के मौका पर दर्शन करने के लिए हम अक्षत देने के लिए जा रहे हैं, लोगों को आमंत्रण। ग्रामवासी के लिए आपका क्या संदेश है? हम ग्रामवासी से विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे, भगवान से जाकर के दर्शन करें, यही संदेश देने के लिए। 22 तारीख को आपके गांव में कुछ विशेष आयोजन भी हो रहा है? जी, क्या हो रहा है? ठकुरबाड़ी में वहां के हम लोग सब लोग बैठ करके वही जो वहां कार्यक्रम होगा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और मुखिया जी से मिलना चाहेंगे। कहाँ गए मुखिया जी? हाँ जी मुखिया जी, आप 22 तारीख को कुछ विशेष आप अपने पंचायत में कुछ कार्यक्रम। पंचायत के जितने भी मंदिर है उसको भव्य तरह से सजाया जाएगा, वहां पर पूजा पाठ का आयोजन होगा और प्रसाद वितरण भी होगा। पूरी तरह से हम लोग तैयारी में हैं। और आप तो मुखिया हैं, आपको पता होगा कि सरकार ने आपका सैलरी भी बढ़ाया, इस पे आप सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी बढ़ाया सर को, सरकार को धन्यवाद देते हैं, जो बहुत दिनों के बाद सुना जो मुखिया को एक सम्मानजनक 5,000 का वेतन दिया देने का काम किया है, सरकार को धन्यवाद। एक बार जोर से नमस्ते।